हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त एंजल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों ये देखिए, मेरे किसन थे मम्मी एकदम भी कलियाँ नहीं आ रही है। 4-5 दिन पहले मैंने इसकी टिप की पिंचिंग कर दी थी, टिप सबको काट दिया था, लेकिन इसमें नए ब्रांचेस तो आ रहे हैं पर उन ब्रांचेस में कलियाँ नहीं आ रही है। अगर ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी हो रही है तो मैं आज बताऊंगी इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाए, पूरे फुल अपडेट के साथ। और दोस्तों जिन दोस्तों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरा चैनल नया होने के बावजूद भी, उन सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यूं ही जुड़े रहिए मेरे साथ और काफ़ी अच्छा लगता है नए नए दोस्त बना के। हाँ, तो ये जो क्रिसेंथेमम का पौधा है दोस्तों, ये सर्दियों का बहुत ही एक जाना माना पौधा है, सब लगाते हैं सर्दियों में इसे, इसमें भर भर के फूल आते हैं। पर पता नहीं क्यों मेरे ये वाले पौधे में एकदम भी कली नहीं आ रही है। मेरे बाकी क्रिसेंथेमम के पौधों में तो फूल आ गया पर इसमें अभी तक कली ही नहीं आई। तो अगर आपके भी पौधे में ऐसे हो रहा है तो मैं बताऊंगी आपको आज कि क्या उपाय कर सकते हैं आप इसके लिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये दो फर्टिलाइज़र जो है मैं यूज़ करने वाली हूँ मेरे पौधों पर, और इसका रिज़ल्ट मैं दिखाऊंगी आपको कैसा रहा। ये देखिए, ये है NPK और ये वाइट वाला है इप्सम सॉल्ट। मैंने 2 लीटर के करीब यहाँ पे पानी लिया है एक बकेट में, और इस बाल्टी में मैंने जो 2 लीटर पानी लिया है उसमें मैंने 1 चम्मच NPK 20-20-20 डाला है और 1 चम्मच इप्सम सॉल्ट का भी डाल दिया। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी दोस्तों। ये सॉल्यूशन आप हर फूल के पौधे पे दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसको सिर्फ क्रिसेंथेमम में ही दे सकते हैं आप। आपके अगर इंडोर प्लांट्स भी है, जैसे इग्लोनिमा वगैरह, मनी प्लांट वगैरह आप सजाते हैं घर के अंदर, उसमें भी ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि कैक्टस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको अब डाल दूँगी। देखिए, इसके पत्तों पर या फिर इसके जब फूल आते हैं उन पर हम लोगों को पानी कभी नहीं डालना चाहिए दोस्तों। इसके सिर्फ बेस पे, जड़ पे ही हम लोग ऐसे मिट्टी में ही सिर्फ पानी देते हैं। देखिए, जैसे हम लोग पानी देते हैं उसी तरह मैंने इसे दे दिया। इसको देने से पहले आप मिट्टी को पूरी तरीके से एक दिन पानी ना दे, सॉइल जब सूखने लग जाएगा तब ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा ये। जब आप देंगे इस फर्टिलाइज़र को, पूरे अच्छे से ये पौधा इस्तेमाल कर लेगा। देखिए, एक दिन पहले मैंने इसलिए इसमें पानी नहीं डाला था। देखिए, तब तक दिया है मैंने ये फर्टिलाइज़र जब तक ये पॉट के होल से बाहर ना आ जाए पानी, ये देखिए। और जो है बाकी का मैंने बनाया एक्स्ट्रा, ये सब मैं दूसरे पौधों में भी दे दूंगी। ये जैसे है मेरा वाइट कलर का अपराजिता का फ्लावर भी इसमें बहुत सुंदर आता है, अभी डोरमेंसी में है ये। ये देखिए, पर्पल हार्ट में भी दे दिया, एग्लोनिमा में भी दे दूंगी, इसी तरह मैंने सब में दे दिया। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको पूरे 10 दिन बाद का अपडेट दिखा रही हूँ। देख रहे हैं कितने भर भर के इसमें कलियाँ आ गई, तो है ना मैजिक। एक तो इसका सॉइल ही आप बनाइए ऐसा कि वो वेल ड्रेन सॉइल हो। अगर इसमें फूल नहीं आ रहे हैं तो आप समझ जाइए इसे सनलाइट भी पूरा नहीं मिल रहा है। 6 से 5 घंटे की सनलाइट डायरेक्ट धूप इसको चाहिए ही चाहिए, इसीलिए मैंने इसको धूप में भी रखा हुआ है। और फर्टिलाइज़र दोनों मिलके देखिए क्या कमाल का रिज़ल्ट आया है, कितने सारे मोटे मोटे कलियाँ आई हुई हैं। लेकिन इसका कलर क्या होगा ये एक सरप्राइज़ है दोस्तों, मुझे भी नहीं पता इसका कलर कौन सा है फूल का, तो इसका भी मैं अपडेट दूंगी आपको। ये पूरा एक अच्छा लगता है ऐसा सरप्राइज़ जब प्लांट हम लोग को देते हैं, हम लोग को पता नहीं होता कि इसमें किस रंग का फ्लावर आने वाला है, और ये जब फ्लावर आता है तो हम लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो इसके पानी की बात करें तो इसमें आप डेली पानी मत दीजिए, एक दिन छोड़ के इस पौधे को पानी दीजिए। ज़्यादा पानी होने से भी ये फूल वगैरह नहीं प्रोड्यूस करता है, या फिर मिट्टी सूखने लगे ऊपर की तो ही आप पानी दीजिए इसमें। ये एक तरीका अच्छा है कि किस प्लांट को कब पानी देना है, ये देखने का अच्छा तरीका है। जब भी देखें कि मिट्टी सूख रही है तब आप उसमें पानी दीजिए। मैं अपने पौधे को एक दिन छोड़ के पानी देती हूँ, जब तक इसका मिट्टी मुझे सूखा हुआ नहीं लगता मैं पानी नहीं देती हूँ। इसको लोमी सॉइल पसंद है, सॉइल बनाने के टाइम में भी आप गोबर खाद मिक्स करके सॉइल बनाइए इसका, काफ़ी अच्छा रहता है, या वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर दीजिए, काफ़ी अच्छा रहता है इसके लिए।
ये देखिए कितना मोटा मोटा इसमें कली आ रही है। मैंने इसमें गोबर खाद वगैरह आपको नहीं दिखाया, क्योंकि एक बार जब प्लांट आप लगा देते हैं पोट में, उसके बाद गोबर खाद देना, वर्मी कंपोस्ट ऊपर ऊपर से देना थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि मैंने भर के इसमें मिट्टी ऑलरेडी लगा दी, जगह नहीं थी, इसलिए मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ किया। क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ दोस्तों, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता, तो मैं कभी कभी अपने फूलों के पिक्चर्स भी ले लेती हूँ या वीडियो भी बना लेती हूँ। देखिए कितने प्यारे हैं मेरे क्रिसेंथेमम के फूल आए हैं, देखिए कितने सुंदर ऑरेंज कलर के, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, है ना। तो आपके पास भी कोई सुझाव है या आप दोस्तों के साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ, मेरे साथ फूलों के बारे में, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये देखिए कितना प्यारा है। और मेरा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये देखिए तो अभी सर्दियों के मौसम का फ़ायदा उठाइए दोस्तों, इसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल पूरे अपने बगीचे में भर दीजिए, जितने भी सर्दियों के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं विंटर सीजन के। मेरी तरह मैंने भी बहुत कुछ लगाया है और ख़रीदा भी है नर्सरी से, मार्केट से, वो सब का भी वीडियो मैं आगे आपको दिखाऊँगी। और ये देखिए मेरा डोरमेंसी में भी चला गया है, जो उसमें सिर्फ एक दो ही फूल आते हैं कभी, इस हिबिस्कस में। मेरे हिबिस्कस के कलेक्शन भी देख सकते हैं आप वीडियो में। मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।